सीएससी के साथ कार लोन, बाइक लोन या ट्रैक्टर लोन के लिए कैसे आवेदन किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी कॉमन सर्विस सेंटर चलाते हैं और यहाँ पे लोन का लाभ लेना चाहते हैं या फिर अपने ग्राहकों को लोन देना चाहते हैं, चाहे वो कार लोन हो, चाहे ट्रैक्टर लोन हो, चाहे पर्सनल लोन हो, चाहे बाइक लोन हो, सो वो लोन आप कैसे दिलवा सकते हैं, उसके लिए कैसे आवेदन होता है, वो सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। को शुरू करने से पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और साथ ही साथ अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरीके की वीडियो देखने के लिए इस हिंदी वर्ड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और दोस्तों साथ ही साथ अगर आपने बेल के आइकन को नहीं दबाया है तो बेल के आइकन को भी दबा लीजिए, इससे क्या आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों किसी को भी लोन सेवा का लाभ देने के लिए सबसे पहले आपको अपने डिजिटल सेवा पोर्टल में आना होगा। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये हमारा डिजिटल सेवा पोर्टल है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे सर्च बार में चलना है और यहाँ पे लिखना है लोन, तो आप यहाँ पे LOAN टाइप करें और सर्च कर दें। फ्रेंड्स सर्च करने के बाद देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा HDFC लोन, आपको क्लिक हियर के बटन पे क्लिक करना है। सो फ्रेंड इस पर क्लिक करने के बाद आप सीधे ही HDFC लोन के पेज पे आ जाएंगे। अब फ्रेंड देखिए यहां पे आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे जिसमें से आपको लोन प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करना है। चलिए हम क्लिक करते हैं। फ्रेंड क्लिक करते ही आप देख पाएंगे आपके सामने इतने टाइप के लोन खुल जाएंगे। देखिए सबसे पहले है होम लोन, गोल्ड लोन, बिजनेस लोन, फिर CD कंज्यूमर ड्यूरेबल, फिर उसके बाद है ट्रैक्टर लोन, यूजर ट्रैक्टर एग्री लोन, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप, पर्सनल लोन, ऑटो लोन, टू व्हीलर लोन, यूज्ड कार लोन और VLE लोन, जिसमें से फ्रेंड्स हम यहां पे आपको एक ऑटो लोन के बारे में बताएंगे, अप्लाई करके भी दिखाने वाले हैं। फ्रेंड उसी प्रकार से यहां पे सारे लोन के लिए अप्लाई किया जाता है, तो सबका जो प्रोसेस होता है वो सेम होता है। सो चलिए फ्रेंड्स हम यहां पे ऑटो लोन के ऊपर जो है क्लिक कर लेते हैं। और फ्रेंड जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे देखिए आपके सामने ये पेज आएगा। फ्रेंड पहला ऑप्शन है अप्लाई लोन और दूसरा ऑप्शन है डाउनलोड एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। तो चलिए सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड देख लेते हैं कि किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है अगर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे हमें ऑटो लोन के जो डॉक्यूमेंट है वो बताए गए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एलिजिबिलिटी देख लीजिए। सो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट में ये प्रूफ दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ के डॉक्यूमेंट दिए गए हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो इनकम सोर्स है इनकम के डॉक्यूमेंट है। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपके अदर एड्रेस प्रूफ के डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे लिखे हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स अगर कोई आपके पास वेरिफिकेशन ऐसा कोई प्रूफ है तो वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ये सारे डॉक्यूमेंट आप एक बार पढ़ लें तो आपको आसानी होगी। तो चलिए फ्रेंड्स इसे हमने पढ़ लिया है और हम फिर से अप्लाई के पेज पे चलते हैं। और फ्रेंड्स हम यहाँ पे अप्लाई लोन के ऊपर क्लिक करते हैं। फ्रेंड जैसे आप अप्लाई लोन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज आएगा। अब आपको यहां से लोन के लिए अप्लाई करना है। तो फ्रेंड सबसे पहले सिलेक्ट और योर स्टेट, तो आपको अपना राज्य का चयन करना है। फ्रेंड राज्य का चयन करने के बाद यहां पे आपको मॉडल देना है कि मॉडल कौन सा आप जिसके लिए लोन के लिए आवेदन कर रहे हैं और उसका कॉस्ट कितना होता है वो आपको यहां पे बताना है। सो फ्रेंड जैसे हमने यहां पे टाटा लिखा तो टाटा के जो मॉडल हैं वो यहां पे आ गए हैं। इसमें से फ्रेंड जो आप मॉडल खरीदना चाहते हैं तो आपको वो सिलेक्ट करना है। फ्रेंड जिस कस्टमर के लिए मैं यहां पे अप्लाई कर रहा हूं वो जो गाड़ी ले रहा है मैं यहां पे वही चुन लेता हूं। सो जैसे कि फ्रेंड्स हमने यहां पे गाड़ी चुन ली है, यहां पे गाड़ी का अमाउंट आ गया है। अब फ्रेंड्स हम यहां पे उसका जो है टाइम चुनेंगे, टाइम पीरियड क्या है। सो हम यहां पे 24 मंथ चुनते हैं और यहां पे देखिए लोन बताना है कितना परसेंट लोन चाहिए। सो फ्रेंड्स वो हमें यहां पे चुनना है। इसके बाद फ्रेंड जैसे आप चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से पेज आ जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन है एम्प्लॉयमेंट का टाइप, तो आपको वो चुनना है सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है। सो फ्रेंड्स हम यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड चुनेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको देनी है, तो मैं उस कस्टमर की यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ टाइप करता हूं। तो चलिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भर लेते हैं हम। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे एज ऑटोमेटिक आ जाएगी। यहाँ पे रेसिडेंट टाइप चुनना है तो ऑन एड स्वयं की है तो वो चुन लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे टोटल वर्क यहाँ पे एक्सपेंस वो चुनना है तो यहाँ पे मैं 1 चुन लेता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे एनुअल सैलरी क्या है तो मैं वो यहाँ पे डाल देता हूँ।
उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे कितना लोन चाहिए तो वो यहाँ पे आप डालेंगे और यहाँ पे डाउन पेमेंट आएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे एनुअल सैलरी आएगी और यहाँ पे आपको अमाउंट डालना है कितना लोन चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लोन भर दिया, ये डाउन पेमेंट है फ्रेंड्स। और यहाँ पे ऑटोमेटिकली लिखा आ जाएगा कस्टमर एलिजिबल है लोन के लिए या नहीं है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे प्रोसेस टू नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। फ्रेंड्स जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने ये जो है एक अगला पेज खुल जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कस्टमर का नेम देना है, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जेंडर, ईमेल, डीओबी, एजुकेशन, उसका प्रोफेशन, उसके बाद फ्रेंड्स प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या है उसकी, ठीक है, यहाँ पे कितने डिपेंडेंट्स हैं उसके, उसका कैटेगरी, रीजन, ये आप और मैरिटल स्टेटस, ये आपको सब कुछ भरना है। चलिए फटाफट हम भर लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने इस प्रकार से अगला पेज आएगा जहां पे फ्रेंड्स आपकी कुछ जानकारी भरी होगी और बाकी की कुछ जानकारी आपको यहां पे भरनी होगी। जैसे फ्रेंड्स आपका पैन नंबर यहां पे आएगा, उसके अलावा फ्रेंड्स आपकी जो जो जानकारी यहां पे खाली है वो आसानी से आप यहां पे भर दें, कोई भी यहां पे अलग से जानकारी नहीं है तो नॉर्मल है, आप यहां पे भर दें। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे रेसिडेंट्स की इन्फॉर्मेशन देनी है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मोबाइल नंबर, रेसिडेंट टाइप और पूरा एड्रेस है, तो आप फटाफट यहाँ पे ये चीज भर दें। उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने व्हीकल की डिटेल्स आएगी कि क्या व्हीकल की डिटेल्स है, आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ओटीपी वेरिफिकेशन होगा, तो जो नंबर आपने दिया है उस पे एक ओटीपी आएगा, तो जो ओटीपी आए वो आपको यहाँ पे भर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे रिफाय जिसने आपको ये जानकारी दी, सो फ्रेंड्स यहाँ पे सीएससी वीएलई अपनी इंफॉर्मेशन डाल सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, स्टेट, सिटी, एड्रेस, यहाँ पे मोबाइल नंबर और यहाँ पे आपका उनसे रिलेशन क्या था, और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ईमेल आईडी और पिन कोड यहाँ पे डालना होता है। सो फ्रेंड्स ये जानकारी आप भरें और सबमिट कर दें। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने लास्ट में एक और स्टेप आएगा जहां पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सबसे पहले है एड्रेस प्रूफ, फिर उसके बाद है एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद है इनकम प्रूफ, उसके बाद है बैंक स्टेटमेंट, उसके बाद है प्रूफ यहाँ पे फॉर्म, इनवॉइस, प्राइस लिस्ट जो भी है आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ये सारे डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करने हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप ये अपलोड कर दें। तो फ्रेंड्स जैसे यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट लगा के और फाइल को फाइनल अपलोड कर देते हैं तो ये आपकी डिटेल्स जो है एचडीएफसी बैंक के पास चली जाती है, जो भी आपकी नजदीकी एचडीएफसी बैंक है। फ्रेंड्स वहां पे वो लोग चेक करते हैं और चेक करने के बाद कस्टमर को कॉल करते हैं और कॉल करने के बाद यहाँ पे जो उनका लोन है वो अप्रूव कराया जाता है। फ्रेंड्स जैसे ये लोन आपका अप्रूव हो जाता है तो जो आपने लीड जनरेट की है उसका आपको कमीशन मिल जाता है। तो फ्रेंड इस प्रकार से आपको लोगों को लोन दिलवाना है और आपको उस पर कमीशन प्राप्त करना है। फ्रेंड्स सीएससी वीएलई जितनी ज्यादा लीड जनरेट करेंगे उतना अच्छा उन्हें मुनाफा होगा और उतना उन्हें फायदा होगा। तो फ्रेंड्स आप बाइक लेने के लिए, कार लेने के लिए, टैक्सी लेने के लिए, ट्रैक्टर लेने के लिए यहाँ पे आसानी से लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं, उनकी लीड जनरेट कर सकते हैं। वे फ्रेंड्स मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया, प्रोसेस काफी सरल और आसान है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे इसके लिए आवेदन कर देना है। सो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक करिए और साथ ही साथ हमारे सिंधी बर्ड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फ्रेंड्स मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।